स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपका वेलकम है। और आज हम रीजनिंग में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्शन। जी, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप जल्दी से टॉपिक डालिए, जल्दी से डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, पर क्वेश्चंस को करने से पहले इसमें कुछ आपको कंसेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, आप बोर्ड पर देखेंगे बात। डायरेक्शन से क्या है, आप देखते हैं, चार डायरेक्शन के बारे में आप जानते हैं, ठीक है ना। मेन डायरेक्शंस होती हैं वो कौन कौन सी, नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ एंड दिस साउथ। ठीक, कंफ्यूजन जो होती है छोटे बच्चों को वो किसमें होती है, ईस्ट और वेस्ट में। आप ध्यान रखेंगे जब आप ड्रॉ करेंगे तो जो सीधे राइट हैंड जो है आपका, उस साइड में जब आप ड्रॉ करेंगे वो होगा हमारा ईस्ट। हमेशा याद रखेंगे कि राइट हैंड साइड पे, या राइट हैंड जो आपका रहता है उस तरफ जो होगा वो ईस्ट होगा, और लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में साइड पर वेस्ट होगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगी। नॉर्थ और साउथ में कभी कंफ्यूजन होती नहीं है, वेस्ट और ईस्ट में ही होती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड आपका जो भी होगा उस तरफ ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड वाले पार्ट इन साइड पर वेस्ट होगा। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद इसकी चार डायरेक्शंस के बारे में आपको और जानना है। कौन कौन सी वो मैं लिख देता हूँ, ये जो इनके मिडल्स में होगी। ठीक है ना, ये क्या होगी, ये होगी हमारी नॉर्थ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसको बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक, ये कौन सी है, ये ईस्ट और साउथ के साथ बीच में है तो उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। ठीक, क्लियरली आप इसका बता सकते हैं। अब कैसे बताएंगे, साउथ और वेस्ट के बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे हम, साउथ वेस्ट, और इसको नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आपको ये याद हो जाएंगी। आपको इनका, अगर आपको नॉलेज होगी इन डायरेक्शंस की, तभी आप इन सवालों के आंसर दे पाएंगे। आपको ये बेसिक चीजें हैं और मेन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इन डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आपको इन चीजों का, अगर आपको नॉलेज होगी तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट चीज। दूसरी चीज क्या जाननी है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा है सपोज दैट आपका घर यहां पर है। ठीक है ना, आप यहां से गए और कहां गए, ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ। किस तरफ गए आप, नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ में गए जब जाने के लिए, अगर आपसे सीधा सीधा बोला जाए ईस्ट की तरफ चलिए, ठीक है ना, तो आप ईस्ट में ऐसे मुड़ जाएंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं ई ऐसे ना बोल करके, अगर मैं ये कहूं कि आप सीधा आप गए हैं, पहले तो मैंने बोल दिया कि आप स्टेट गए नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ में जाने के बाद आपको कहा गया है कि टर्न राइट, क्या बोलेंगे, टर्न राइट, तो आप क्या कहेंगे, राइट किस तरफ है, तो राइट में अगर कहेंगे तो राइट आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो राइट लेफ्ट मुड़ना है। अगर आपको जा रहे हैं, आपसे कहा जाए टर्न लेफ्ट, तो आपका लेफ्ट क्या होगा, इसके तो उल्टा हाथ होगा, लेफ्ट हैंड होगा, तो लेफ्ट हैंड में आप मुड़ जाएंगे, राइट हैंड होगा। तो आप इन चीजों में, ठीक है ना, वैसे तो कहते ही हैं, क्या कहते हैं, राइट का मतलब है डायरेक्शन के टॉपिक्स में आपको जो पता होना चाहिए वो क्या, राइट का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी तो आपको पता होगी, रोज टाइम देखते हैं तो उसमें पता होना चाहिए कि घड़ी कैसे चलती है। जैसे कि सपोज है घड़ी है, ठीक है ना, यहाँ पर आपके नंबर्स हैं, तो आप क्या कहेंगे, घड़ी हमेशा ऐसी चलती है, तो क्लॉक का डायरेक्शन होगी। तो राइट का मतलब ये, और लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी जो चलती है उसके आप अपोजिट साइड में चलिए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ जो घूमना। ठीक है ना, तो ये दो दूसरा कंसेप्ट जो था वो ये था। लेकिन मैं फिर भी ये तो मैं लिखवाता ही हूँ, ये जो आपको नोट करना है, ये वाली बात भी आपको नोट ही करनी है, और एक ये वाली बात आपको नोट करनी है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सजेशन ये देता हूँ कि आप इन चीजों में ना जान करके, इन चीजों में ना पढ़ें, और सीधा अपने सीधा हाथ जो भी है आपका, राइट हैंड जो भी है, लेफ्ट हैंड है, आप खुद को एज्यूम करें जब भी आप इन चीजों को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, कॉपी करेंगे इस बात को, जल्दी से कॉपी कीजिए। ठीक है ना, और मैं फिलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ, अब पढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन चलो आप पढ़िए फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। ठीक है, आपको ना इसमें क्वेश्चन ऐसा पूरा पढ़ के फिर दोबारा फिर एक एक लाइन पढ़िए और उसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, वन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर वन को हम पढ़ेंगे। आप
सीधा एक लाइन पढ़िए, के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप एल को बिन आउट कर दीजिए कहीं भी, ठीक है। अब से ये इसमें कोई ऐसा नहीं, आपको स्केल से नाप तोड़ के नहीं लिखना, आप अपनी तरफ से एक रफली ड्रॉ कीजिए, उसी से आंसर देना है। तो हमने एल को डिनोट कर दिया। अब कह रहा है कि एल के साउथ वेस्ट में, अब बताओ कि साउथ वेस्ट होता कहाँ है। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, साउथ वेस्ट होता है ऐसे, यानी कि इस तरफ। तो मैंने एक डायरेक्शन ऐसे ले ली, ये होगी हमारी साउथ वेस्ट, यहाँ से जब ये देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट ही होगी, ठीक है। तो कितनी दूरी पर है, 40 मीटर। तो मैंने ये लेट कर लिया कि ये कौन सी कितनी मीटर की है, 40 मीटर की डिस्टेंस है, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है के, क्लियर है। तो मैंने इस वाली लाइन को ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप अगली लाइन पढ़िए, इफ एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल, ठीक है। अब एल के साउथ ईस्ट में कौन है, एम है, वो भी कितना है, 40 मीटर है। तो साउथ ईस्ट कहां से होता है, साउथ ईस्ट होता है इधर की डायरेक्शन, तो यहां से ये वाली डायरेक्शन, ये क्या होगी, 40 मीटर होगी, ये भी मैंने लेट कर ली। और कहां तक है, ये यहां तक, यहां पर कौन है साउथ ईस्ट में, कौन है, एम, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए क्या कह रहा है कि एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के, आपको बताने की एम की डायरेक्शन बतानी है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, के रेस्पेक्ट में। मतलब ये कि अगर आप जब के से खड़े हो के यहां से, के की तरफ, जब आप के की तरफ से एम को देखेंगे, जब आप के एम को देखेगा तो ऐसे यहां से देख करता हूं ये कौन सी डायरेक्शन है। अगर मैं यहां हूं और मैं उधर की तरफ देख रहा हूं, तो आपको बता दीजिए कि उधर की तरफ देखने का मतलब क्या है, और स्ट्रेट देख रहा हूं, तो स्ट्रेट देखने में क्या मतलब है यहां पे ऐसे, तो कौन सी डायरेक्शन जा रही है, ये ईस्ट डायरेक्शन जा रही है, ठीक है। अगर मैं इधर सीधा देख रहा हूं तो किस तरफ जाएगी ये, तो कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट, यानी कि आपके ईस्ट डायरेक्शन हमने लिखा है। तो फाइनली आंसर बताओ इसका कितना आ गया है, ईस्ट आ गया, ठीक है। एक बार मैंने ड्रॉ किया है, आप इसे कॉपी कीजिएगा, और दूसरी बार अगर नहीं भी आता है तो आप वीडियो को दोबारा अटेंड कीजिए और एक बार फिर कोशिश कीजिए इसको समझने की, ठीक है। कॉपी कीजिए इस बात को और हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दीपक वॉक 5 किलोमीटर टुवार्ड्स द साउथ, ठीक है। इतना सा पढ़ा हमने, तो इसको ड्रॉ करें, चलो हम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दीपक वॉक, आप क्या करेंगे, आप कोई भी पहले स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, मान लें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरफ से बताइए साउथ किस तरफ होगा, साउथ इस तरफ होगा, इस तरफ नहीं, साउथ होगा इस तरफ, ठीक है। मैंने कितना मान लिया, ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां पर आ गया दीपक, दीपक ने क्या किया, यहां से वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस सीधा गया किस तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है। एंड यहां पर आ गया, अब यहां पर देन टर्न टू राइट, ठीक है। अब यहां से ये बताइए राइट किस तरफ होगा, ठीक है। अभी मैंने कहा, क्या बताया था मैंने आपको, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपको इस, अगर आप चाहें तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या खुद को एज्यूम कर सकते हैं। अब बताइए यहां से, तो ये अब यहां से राइट मुड़ना है, राइट किस तरफ होंगे, घड़ी कैसे चलेगी, यानी कि हम इस तरफ मुड़ेंगे, ठीक है, इस तरफ मुड़ेंगे। और कितना चलना है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान देंगे, जब आपने 5 किलोमीटर ऐसे माना है तो आप ऐसे मत करना है कि यहाँ पे आपने 3 इतना मानेंगे, 5 इतना है तो 5 से तो कम ही होगा 3, तो मैं क्या करूंगा, मैंने सिर्फ इतनी डायरेक्शन ले ली, ये होगी हमारी इस तरफ 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर दीपक जो है यहाँ पर खड़ा है, अब क्या करा है, ही टर्न्स टू दी लेफ्ट, ठीक है। 3 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू दी लेफ्ट, अब आप इधर जा पाए, ठीक है ना। अब आप पता है इस चीजों को आप बार बार सोचेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो आप उससे पता है क्या कह रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं आप थोड़ी इमेजिनेशन कीजिए, अगर आप इस तरफ मुंह कर रहे हैं तो आपका सीधा हाथ तो उधर जाएगा, उल्टा हाथ नीचे जाएगा, और हमें मुड़ना है लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट में नीचे कितना जाएगा, वो आपका इस तरफ आ जाएगा। यदि आप खुद को इमेजिन करके चलेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, तो आप सवाल को बहुत इजीली और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। कितने देर पर, टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक, हाँ अब ये वॉक, अब ये सीधा चलता जा रहा है, यहाँ पर चलता जा रहा है, आगे की डिस्टेंस नहीं देखी, बस चल रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ, आपको बताना है कि ये डायरेक्शन कौन सी फेस कर रहा है इस वक्त। तो आप देख रहे हैं कि नीचे ही जा रहा है साउथ में, तो कौन सी डायरेक्शन जा रहा है, ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका आंसर कितना है, इसका आंसर हमारा आ गया है साउथ, ठीक है। आपको इन सवालों को एक बार नहीं, दो बार, दो तीन बार सॉल्व करना है, ठीक है। मैं सब बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीन पढ़िए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर तीन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? विशाल स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवार्ड्स नॉर्थ। क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है कि इसका कहीं एक घर होगा, मैंने माना यहाँ पर है, ये इसका हाउस है, हमने लिख दिया ताकि आपको पता रहे। अब यहां से वो घर से निकला और किस तरफ जा रहा है? ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ। चलो ये नॉर्थ की तरफ हो गया, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 8 किलोमीटर, मतलब ये कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है? 8 किलोमीटर की, ठीक है। इसमें यूनिट का कोई खेल नहीं है, किलोमीटर में तो किलोमीटर में कहेगा, मीटर में तो मीटर में पूछेगा, आपको इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है। ही टर्न टुवार्ड्स लेफ्ट, यहां से मुंड चलने के बाद वो क्या करेगा? लेफ्ट की तरफ चलेगा। लेफ्ट किस तरफ है? देखिए सीधा तो इस तरफ है, राइट इधर था, लेफ्ट किस तरफ है? तो यानी कि अब वो इस तरफ ऐसे चलेगा, ठीक है। ऐसे कोई स्केल से सीधी लाइन खींचनी, आप रफली ड्रॉ कीजिए। क्या कह रहा है कि ही टर्न टुवार्ड्स लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। ध्यान देंगे अगर एट इतनी है तो थोड़ी सी से छोटी इतनी बनाएंगे, मैंने ये कर ली, कितनी हो गई है? 6 किलोमीटर, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट, व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? बताइए जल्दी से कौन सी डायरेक्शन है ये? यहां से चेक करेंगे तो आप देखते हैं सीधी कौन सी डायरेक्शन है ये? ये वेस्ट डायरेक्शन है। बता सकते हैं आप इसमें कितना आता है? इसका आंसर कितना है? इस वाले का आंसर आ गया हमारा वेस्ट आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सोल्व किया, वेस्ट लिखेंगे इसमें आप आंसर, और छोटा सा आ गया है, ठीक है। चलो मैं यहीं पे एक सप्लीमेंट्री इसमें एक क्वेश्चन और पुट अप करता हूँ आपसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपसे डिस्टेंस भी पूछता है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या क्वेश्चन पूछता है? इसी में ही मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या चलो ऐसे लिख लेते हैं, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम। ये मैंने एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ अप किया है, क्वेश्चन नंबर 3 ही, ठीक है ना। डिस्टेंस भी कभी कभी पूछ लेता है कि जहां पर वो पहुंच चुका है, वो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पर इसका, और फिलहाल वो कहां पर खड़ा है? एंडिंग पॉइंट इसका यहां पर है, ठीक है। अब बताना कि अपने घर से वो कितनी दूरी पर है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपको ये नहीं बताना कि 8 ऐसे चला और 6 ऐसे चला, नहीं, आपको ये चेक करना है ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। कौन सी वाली? ये वाली डिस्टेंस, हाउ फार कितनी दूर है अपने घर से, तो आप ये वाली डिस्टेंस कैसे बताएंगे, ठीक है ना। अभी आपने शायद ज्योमेट्री नहीं या त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है, लेकिन चलो छोटा सा मैं बता दूं आप लोगों को कि जब ऐसे कोई बात होती है, ये होता है हमारा बेस, ठीक, ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली कौन सी होती है? इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दिया है तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। अगर आपको इसका आंसर देना हो तो कैसे देंगे? आपको बताएगी हाइपोटेन्यूस है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो आप आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर निकालेंगे कि चलो नाम लिख दीजिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। आपको एसी निकालना है, तो आप एसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंडर रूट इसका स्क्वायर, एबी का स्क्वायर, एबी मतलब 8 का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, बीसी मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक। तो आप सोल्व करेंगे कैसे आएगा, इसको लिखेंगे आप 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा, ठीक है। अब जल्दी से बताइए कितना जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर, यानी कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है? अपने घर से वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। आपको और मैं आपकी सुविधा के लिए, आपके आसान के लिए आपको कुछ बातें बता दूं कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कुछ चीजें आप याद कर लीजिए, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 और 15, 20, 25 और 7, 24, 25, ये कुछ डिजिटें ऐसी हैं जो इस ट्रायंगल को फॉलो करती हैं, इसे बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, जिस थ्योरम को फॉलो करती हैं ये वैल्यू है। जहां भी आपको दो डिजिट अगर आपको पता होता, अगर आपको ये चीज पता होती तो आप तुरंत देख के आंसर बता देते,
6 8 और फिर ये कहने के हाइपोटेंस कितना होगा 10 होगा। ठीक है, फटाफट से कॉपी कीजिए इन बातों को जल्दी से। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करना और फिर आप इन चीजों को देखना। ठीक है, रोको इसमें कीजिए कॉपी जल्दी से। क्वेश्चन दे लो क्या? अब क्वेश्चन आप फोर नंबर हो, क्वेश्चन नंबर फोर पे जाइए। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए आप, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए कहीं भी, मैंने लाइक कर लिया पॉइंट ए हमारा ये रहा। ठीक है, जेंट वॉक 15 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, यहां से वेस्ट बताइए किस तरफ होगा, वेस्ट किस तरफ होगा। ठीक है, तो चलो मैंने वेस्ट मान लिया, 15 किलोमीटर हमारा ये रहा। ठीक है, यहां तक आ गया कितना, 15 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, ही टर्न लेफ्ट, यहां से लेफ्ट बताइए। देखिए जब आप इधर फेस करेंगे तो आपका राइट हैंड ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड नीचे होगा, तो उसका अंदर लेफ्ट कितना नीचे की तरफ जाएगा और कितना जाएगा जल्दी से बताओ। देखिए कितना है, 20 मीटर। अगर 15 आपका इतना है तो 20 थोड़ा सा बड़ा बनाना। ठीक है, अगर नहीं भी बनाते हैं तो फिर भी ध्यान भी रखना। ठीक है ना, तो यहां पर आ गया है 20 मीटर, देन टर्न लेफ्ट, यहां से फिर लेफ्ट होगा। अब लेफ्ट बताइए, अगर मान लो कि मैं इस तरफ आ गया और मेरा लेफ्ट टर्न इधर चला जाएगा तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। नहीं पता लग रहा तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा ऐसे होगी, तो इस तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा 12। यानी कि वो देखें ध्यान से देखें, अगर आप इतना कर देंगे 15 इतना है तो 12 तो ज्यादा हो गया। ठीक है ना, 15 से इधर आएगा तो थोड़ा सा आपको कम लेना पड़ेगा जो कि इससे थोड़ा कम हो। ठीक है ना, तो यहां तक आ गए हम लोग, कितना आ गया ये 12 आ गया। ठीक है ना, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब इसमें आपको डिस्टेंस भी बतानी है और डायरेक्शन भी, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए से। अब आपको बताइए यहां पर आप पहुंच चुके हैं, ये था आपका कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था आपका स्टार्टिंग, आपने यहां से स्टार्ट किया था और यहां पर आपने एंड कर दिया है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि यहां से बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप पहले तो एक काम कीजिए जल्दी से बताइए, मैं पहले डायरेक्शन निकालता हूं, पहले तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई है, ऐसे तिरछी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, दिख रही है आपको, यहां से ऐसे तिरछी डायरेक्शन है तो कौन सा आएगा, तो डायरेक्शन तो कौन सी आ गई है, डायरेक्शन आ गई है आपकी साउथ वेस्ट आ गई है डायरेक्शन। क्लियर इतनी बात का? ठीक है, अब बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी है। अब ऐसे तो डिस्टेंस तिरछी निकालने के लिए बिना ट्राइंगल के पॉसिबल है नहीं, तो आपको उसमें थोड़ा ट्राइंगल पर ध्यान देंगे। चलो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं थोड़ा सा यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे डाल दूं इस पर, ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए ये तो 12 थी, अगर ये 12 है तो फिर हमारी यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 12 ही होगी, अगर पूरी 15 है और ये 12 है तो ये कितनी बची, ये बची है हमारी 3, कितनी सी, ये इतनी सी जो है वो 3 मीटर की है। ठीक है, अच्छा तो ये कितनी है, 20 है, और ये क्या कर रहा है, टर्न राइट। ठीक है, तो 20 किलोमीटर लेफ्ट एंड टर्न लेफ्ट, अब बताइए ये कितनी है, 20 है, तो ये भी कितनी होगी हमारी, 20 ही होगी। ठीक है ना, और आपको बताना है ये वाली डायरेक्शन कितनी है। ठीक है, अब देखिए ट्रिपलेट तो बनी नहीं है, 3 12 20 3 20 की तो ऐसा ट्रिपलेट नहीं है, फिर भी आप ला सकते हैं परपेंडिकुलर इसका, यानी कि हम इस वाली डायरेक्शन को बताने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्योंकि तो परपेंडिकुलर है, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 3 के स्क्वायर के बाद फिर कितनी आ जाएगी इसमें, ये हो जाएगा हमारा 400 और प्लस 9 और कितना जाएगा 409। ठीक है ना, लाल जैसी डिजिट है वैसी आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो आपका ये अंडर रूट में आंसर आ रहा है, बहुत कम रेयर केस में ऐसे अंडर रूट में ऑप्शन देता है। ठीक है ना, क्योंकि डिजिट फिलहाल इसमें हमें कुछ इस प्रकार की मिली है जिससे हमारा आंसर आ रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना जाएगा, डायरेक्शन हमारी कितनी हो जाएगी 400, डिस्टेंस हमारी इतनी हो जाएगी और डायरेक्शन कितनी हो जाएगी साउथ वेस्ट। ठीक है ना, तो आप इस बात को कॉपी करेंगे। फिलहाल मैंने आपको आज इसके ना कुछ 4 क्वेश्चन कराए हैं आपको और कुछ कंसेप्ट बताए हैं जिसमें आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं इसकी आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, उस बात को रखेंगे। ठीक है ना, फिलहाल इसे कॉपी कीजिए।